गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की बड़ी ताजा खबरें। तो इससे पहले विस्तार से खबरों को समझे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। पांच लेयर में होगी तपोवन विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के तपोवन विधानसभा भवन में 19 से 23 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र की सुरक्षा के लिए गठित बोर्ड ऑफ ऑफिसर ने पिछले कल विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार तपोवन विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था 4 से 5 लेयर में होगी। वहीं साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठने वाले तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों व अन्य लोगों की जानकारी पुलिस के पास रहेगी। इसके अलावा परिसर में मंत्रियों के कमरों तक फरियाद लेकर पहुंचने वालों के पहचान पत्र भी पुलिस जवानों की ओर से जांचे जाएंगे। 600 में मणिकर्ण 500 रुपये देकर घूमिए, सिसु पर्यटन निगम ने शुरू की ट्रैवलर सेवा। नववर्ष और क्रिसमस का जश्न मनाली में मनाने के लिए आ रहे सैलानी महज 500 में बर्फीली वादियों का दीदार कर सकेंगे। वहीं सिर्फ 600 रुपये में प्रसिद्ध तीर्थस्थल मणिकर्ण जा सकेंगे। पर्यटन निगम ने पर्यटकों के लिए मनाली से सिसु और मनाली से मणिकर्ण के लिए फिलहाल ट्रैवलर सेवा शुरू की है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए भी निगम ने अपनी लग्जरी बस सेवा का संचालन शुरू किया है। देश विरोधी नारे लिखने के लिए दुबई से हुई थी फंडिंग, आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उगले कई राज। चिंतपूर्णी मंदिर के पास पिछले दिनों देश विरोधी खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने वाले आरोपियों को फंडिंग दुबई से हुई थी। इस दौरान आरोपियों के खाते में 25,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से आए थे, जबकि अन्य पैसों की अदायगी अभी होनी थी। ऊना पुलिस की गिरफ्त में चल रहे पंजाब से गिरफ्तार इन तीनों युवकों ने कई राज उगले हैं। वहीं धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के कार्यालय के पास खालिस्तान के समर्थन में लिखे नारों के शक के चलते कांगड़ा पुलिस इन आरोपियों की कस्टडी मांगेगी, ताकि इस मामले को भी सुलझाया जा सके। वहीं 29 नवंबर को पंजाब के युवकों ने चिंतपूर्णी मंदिर के पास कुछ दीवारों और बंद पड़ी दुकानों के शटर पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे थे, जिसका 30 नवंबर सुबह पुलिस को पता चला था। दिव्यांग प्रशिक्षु डॉक्टर से ली जा रही फीस, हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा टीएमसी प्रशासन। 78% दिव्यांग निकिता चौधरी हिमाचल के इतिहास में पहली व्हील चेयर एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगी, परंतु दिव्यांग होने के बावजूद निकिता चौधरी से फीस ली जा रही है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांग प्रशिक्षु डॉक्टरों से फीस नहीं ली जा सकती है। इस मामले में व्हील चेयर दिव्यांग निकिता चौधरी ने हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के समक्ष मिलकर अपनी व्यथा रखी। बता दें कि व्हील चेयर दिव्यांग प्रशिक्षु डॉक्टर निकिता चौधरी ने पहले ही प्रयास में नीट का एग्जाम क्लियर कर कड़े संघर्षों के बाद एमबीबीएस में प्रवेश पाया था। 78% दिव्यांग होने के बावजूद निकिता को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने से मना कर दिया था, परंतु व्हील चेयर दिव्यांग निकिता चौधरी ने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट में लंबे संघर्ष के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली व्हील चेयर दिव्यांग निकिता चौधरी हिमाचल के इतिहास में पहली व्हील चेयर एमबीबीएस की प्रशिक्षु डॉक्टर है। 15 साल पुराने वाहन होंगे स्क्रैप, हर जिले में मिलेगी स्क्रैप करने की सुविधा। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब स्क्रैप भी होंगे। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रदेश के हर एक ज़िले में लोगों को सुविधा मिलेगी और इसके लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोले जाएंगे, जिसके लिए पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी वाहन स्क्रैप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं वाहनों को स्क्रैप करने के लिए परिवहन विभाग ने आवेदन भी मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक परिवहन निदेशक कार्यालय में इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बेरोजगार युवाओं सहित पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन आने के बाद विभाग आवेदनों की स्क्रूटीनिंग करेगा, चयनित फर्म को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर हिमाचल में बड़ी सैलानियों की संख्या, 70% होटल बुक।
क्रिसमस से पहले वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। शिमला और चायल में 50% जबकि कसौली में होटलों के 70% तक कमरे बुक हो गए हैं। वहीं बर्फ का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। धर्मशाला और डलहौजी में भी वीकेंड पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। दिसंबर के महीने में सैलानियों ने बड़ी संख्या में हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। 80 लाख की जमीन खरीदने पर पुरुष चुकाएंगे 8% स्टाम्प ड्यूटी, महिलाओं को मिली 2% की रियायत। हिमाचल प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है। काफ़ी समय से यह संशोधित विधेयक इधर से उधर लटक रहा था। इसे 2 बार संशोधन के लिए कानून विभाग को भेजा गया और विधानसभा को भी संशोधित रूप में भेजा गया। सोनिया गांधी बोली, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी लोकसभा चुनाव से पहले करो पूरी। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी पूरी करने की हिदायत दी है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पिछले कल सोनिया गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सोनिया बोली, 1500 रुपये की गारंटी को लेकर मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगी। सोनिया ने हिमाचल में राज्य सरकार की ओर से 1 साल में पूरी की गई गारंटियों को लेकर फीडबैक भी लिया। चंद्र कुमार ने बताया कि सोनिया को हिमाचल सरकार की ओर से 1 साल के कार्यकाल में पूरी की जा चुकी OPS की गारंटी, स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाने की गारंटी और 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू करने की गारंटी पूरी करने की जानकारी दी गई। प्रदेश में कोहरे में संभल कर चलाएं वाहन, ट्रैफिक टूरिस्ट पुलिस ने चालकों को जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और निचले क्षेत्रों में पड़ रही धुंध को लेकर ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में घटते तापमान को देखते हुए आगामी दिनों में और ठंडी हवाएं, शीतलहर एवं घना कोहरा, धुंध पड़ने के आसार देखे जा सकते हैं। ऐसे में शीतलहर और धुंध खतरनाक साबित हो सकती है। ट्रैफिक टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने घना कोहरा व धुंध में यातायात संबंधी एडवाइजरी जारी की है। विधानसभा घेरेंगे, परिवहन निगम के हजारों पेंशनर्स मेडिकल बिलों का भुगतान न होने पर नाराजगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन ने सरकार के प्रति रोष जाहिर किया है। निगम प्रबंधन द्वारा संगठन के साथ वार्ता में लिए गए निर्णयों पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर HRTC पेंशनर्स ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। शिमला में संगठन के अध्यक्ष KC चौहान ने कहा कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी सरकार और निगम प्रबंधन ने वृद्ध पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके चलते विधानसभा परिसर का घेराव करने के लिए पेंशनर्स कल्याण संघ धर्मशाला पहुंचेगा। वहीं लंबे समय से पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स कुछ मांगे रख रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए ताकि सभी को हर माह की 1 तारीख को पेंशन मिले। इसके अलावा जो पेंशनर्स 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी पेंशन में 5, 10 व 15% होने वाली बढ़ोतरी को उनके मूल वेतन में जोड़ा जाए। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।